कहाँ जा रही है मीठी आज? आज हम जा रहे हैं शिव मंदिर। शिव मंदिर? हाँ। सुबह से शोर मचा रखा है, चलो चलो चलो। क्यों ऐसा क्यों? आपके तो एग्जाम भी चल रहे हैं, फिर भी आपको स्टडी ना करके मंदिर जाना है क्यों? क्योंकि पिताश्री का ऑर्डर है। क्या? कि हमें मंदिर जाना। मंदिर जाना होगा। चलो फिर चलते हैं, डैडी को बोलो ना, फिर हम सब डैडी तो तैयार है। हेलो मीठी, फाइनली चल पड़े क्या शिव मंदिर के लिए? मीठी, तो शिव मंदिर है ये मेहरौली के पास ही, महिपालपुर, वहाँ पर है शिव मंदिर। और ये शिव मंदिर जो है ना, जो शुक्रताल, आप कभी कोई गया हो शुक्रताल तीर्थ स्थल पर, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जैसे गणेश जी की है, शिव जी भगवान जी की है, हनुमान जी की है, कुछ इसी टाइप से भी यहाँ पे भी बिग साइज़ की जो वो मूर्तियाँ हैं वो बनी हुई हैं। यहाँ पर है राधा कृष्ण जी की और शिव पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ बोली हूँ सॉरी, पूरा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, ठीक है, और राधा कृष्ण जी की हुई, राम सीता लक्ष्मण जी की हैं। चलो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ और आप देखकर बताना कि हाँ शुक्रताल जैसी हैं, तो मुझे कमेंट में हाँ करके बोलिए, और उससे कुछ अलग है तो जब आप कभी यहाँ आएंगे आप घूमकर ज़रूर जाना। हम आ गए हैं अपने शिव मंदिर, जहाँ पर अभी आपको मैं सारी व्यू दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पे राधा कृष्ण जी की सबसे बड़ी मूर्ति, ये अपने हाथ में थाल लिए हुए खड़ी हुई है कृष्ण जी के साथ, और साथ में शिव जी की भी फैमिली पूरी दिखाई दे रही है, और इधर सीता राम। और अभी यहाँ पर मंदिर में हो रही है सफाई, यहाँ पर पानी डालकर इसको क्लीन किया जा रहा है। यहाँ पर इधर सीता राम जी खड़े हुए हैं अपने हाथ में तीर धनुष लेकर, और सामने हमारे शिव जी और उनकी पूरी फैमिली, और इधर राधा कृष्ण जी और राधा अपने हाथ में थाल लिए हुए कितने अच्छे से, और बांसुरी कृष्ण जी के हाथ में मधुर मुरली वाले। यहाँ देख सकते हैं हमारी शिव जी की पूरी फैमिली यहाँ पर है। शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति है जो हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हैं और अपना आशीर्वाद सबको दे रहे हैं। यहीं पर मीठी भी अपना दंगा करती हुई आई गई, थोड़ा पास में अपना कुछ ना कुछ तो डीपली देखने में लगी हुई है। और ये हमारे मतलब सबसे बड़ी स्टैचू जो बना हुआ है यहाँ पर शिव जी का है, और बाकी इधर इनकी पूरी फैमिली साइड में है, दूसरी साइड तो नंदी बैल बैठे हुए हैं, और इधर कार्तिकेय, पार्वती माता एंड गणेशा, और इधर मूषक राज भी बैठे हुए हैं। कितनी अच्छी फैमिली है, सब में सेम कलर। और चलो मैं दूसरी साइड भी आपको दिखा देती हूँ, इधर ही है नंदी जी की सवारी शिव जी की, यहीं बैठे हुए हैं। और मेरे पीछे जा रहा है एरोप्लेन, और इधर से राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, और इधर दूसरी साइड है श्री राम एंड सीता जी की, और ये है हमारी पूरी शिव फैमिली। मेठी, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये शुक्रताल के जैसा कुछ है, दिखता है कि नहीं। और यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है, शिवरात्रि के दिन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम यहाँ पर दो बार शिवरात्रि के टाइम पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा।
और चारों तरफ यहाँ पे फूल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल। और मीठी यहाँ पे शैतानी करती हुई दिखाई दे रही है, उसको तो रुकना ही नहीं हो। चलो अपने सीताराम जी भगवान जी के पास, अब इनके पास आकर पास से इनकी वीडियो बना लेती हूँ मैं। और मीठी तो बिल्कुल चरणों के पास हाथ लगाने वाली है, लेकिन हाथ जा नहीं रहा इसका। जय श्री राम। मीठी को तो सबसे ज़्यादा भागने का शौक़ है, जिसमें वो भागती ही जाती है, कहीं भी जाओ तो भागना, कहीं भी जाओ तो भागना। यहाँ पर देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, इस मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स। इस पेड़ की कटिंग, आय हाय क्या सुंदर छतरी जैसे बनाया हुआ है, एक पेड़ की ये है। ये थोड़ा पार्क टाइप बना रखा है, जिसमें सब कोई घूम सकता है, खेल बच्चों के लिए खेलने की जगह है। अलग अलग पेड़ पौधे फूल पत्तियां लगी हुई हैं। फ़ोटो खींचना है ना मीठी, बैठो स्टाइल में बैठो, लाओ मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ। कौन से वाले स्टाइल में बैठेगी ये, घुटने पर मिट्टी कैसे लग गई जीन्स पर? अच्छा फ़ोटो लूँ, ऐसे ही लेना है बस। दूसरा स्टाइल बनाओ ना अच्छा सा। कौन से स्टाइल में, इस वाले स्टाइल में चेंज करो, पोज चेंज करो, अब दूसरा चेंज करो। मेरी मम्मी वीडियो बना रही है, एक भी फोटो नहीं खींचा। छोड़ दो, किसे फर्क पड़ रहा है, ये कह रही है वो तो। अच्छा बहुत है ये मंदिर, और हमारे तो बहुत पास है, 10 से 15 मिनट लगती होंगी यहाँ तक आने में। चलो कहीं बैठने का देखते हैं, जहाँ पर थोड़ी छाया भी हो। रोजेस, आओ देख कर। मंदिर में आपको फूलों की वैरायटी भी बहुत तरह की मिल जाएंगी। पर्पल कलर के फ्लावर आप देखते ही कितनी आंखों को भी शांति मिल रही है, मतलब लाइट पर्पल कलर कितना ऑसम लग रहा है। और इधर मीठी साइड में छुपने की कोशिश कर रही है डैडी से, और ये सोचिए किसी को नहीं दिख रही हूँ। मीठी ए रेशिया है ये तो, नंबर कौन सा है इसका, नंबर कौन सा? बोइंग है। बोइंग इसमें क्या होता है? बोइंग तो छोटे से। बताओ मीठी कौन सा ट्री है ये? अनार का। कैसे पता है अनार का है? तो रेड तो बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ पर आते हैं रेड फ्लावर्स तो। अच्छा ऐसी लीव्स तो बहुत सारे होती हैं, नहीं होती हैं? ओके ओके।
कि वो तो अनार का पेड़ है और ये कौन से फ्रूट का पेड़ है बताओ? ये गुआवा है शायद, देखकर बताओ कौन सा है। गुआवा तो है, गुआवा ही है। मीठी है, अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा कुछ टाइम बाद। वाओ, आज इसको माइक्रो लेंस चाहिए। वाओ कितना सुंदर। आज हवा भी बड़ी तेज चल रही है और इन्हीं फूलों के साथ मैं भी हूँ। मुझे फ्लावर्स, पेड़ पौधे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस टाइम मेरे चारों तरफ ग्रीनरी, फ्लावर्स, पेड़, फ्रूट्स के पेड़ भी बहुत सारे हैं। और बस बहुत अच्छे से हो गए हमारे पूरे शिव फैमिली और बाकी सारे भगवान जी के दर्शन, और अब चलते हैं वापस घर की साइड। आई होप आपने वीडियो बहुत इन्जॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। हमने कर लिए शिव जी के दर्शन, हमने हाथ जोड़ लिया है और अब हम निकलते हैं। चलो अब हम वापस जाएंगे घर।